स्वागत है फ्रेंड्स दोस्तों आपका राज किचन रेसिपी में। और आज हम बनाने वाले भिंडी की बिल्कुल अलग मूंग दाल भिंडी की सब्जी। तो यहां पर करिए, हमने ये 150 ग्राम भिंडी ली थी, उनको हमने इस तरीके से चीरा लगाकर बीच में से कर लिया है तैयार। और इसे आप पहले धो लें, सुखा लें और इसे पोंछ लें और फिर काट लें। और यहां पर हमने लिए करीब 20 से 30 ग्राम मूंग दाल, जिसे हमने करीब 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रखा था, 3 से 4 हरी मिर्च और करीब 1 बड़े साइज की प्याज। तो बनाना शुरू करते हैं, बिल्कुल यूनिक है, लास्ट तक वीडियो को देखिए। और इस तरीके से बनाएंगे तो भिंडी की और दूसरी रेसिपी खाना आप भूल जाएंगे। तो यहां पर हमने चढ़ा दिया एक पैन, पैन में डालेंगे हम करीब 2 चम्मच तेल। तेल गर्म होने के साथ में डालेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा। जीरे को तड़का लगने के साथ ही डाल देंगे इसमें करीब 15 से 20 लहसुन की कलियां साबुत और एक प्याज। प्याज के बाद डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्च जो हमने काट के रखी हुई है, थोड़ा सा स्टर करेंगे। प्याज को जैसे 1 मिनट आप फ्राई कर लें, टॉस कर लें, उसके बाद में जो हमने दाल ली थी तो करीब 30 से 40 ग्राम 50 ग्राम के हिसाब से थी, तो उसकी आधी दाल हम इसमें डाल देंगे जो हमने भिगो के रखी थी। और अब इसे टॉस कर लेंगे। अच्छे से दाल को हमें यहाँ पकाना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर आप दाल को ओवरनाइट भिगो के रखेंगे और भी ज़्यादा फ्लेवर आएंगे, लेकिन जल्दी बनानी है तो 3 से 4 घंटे भिगो के रखते हैं। ये भिंडी और दाल की रेसिपी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। यहाँ पर दाल मैंने पूरी ऐड कर दी है, तो आपको क्या करना है, दाल थोड़ा सा चला लें, फिर जो बाकी बची हुई दाल है वो भी ऐड कर दें। अब यहाँ डालते हैं हम 3 से 4 चुटकी नमक और मिला लेते हैं नमक को। अब यहीं पे हम क्या करेंगे, हल्दी डाल देंगे, हल्दी फिर नहीं डालेंगे, 8 से 10 पिंच हल्दी यहीं ऐड कर देंगे और इसे भी मिला लेंगे। मिला लें, कर लें अच्छे से और उसके बाद करीब 100 ml के आसपास पानी डाल देंगे। गैस मीडियम लो फ्लेम पर करके और उसे ढककर रख देंगे। 1 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर रखने के बाद में हमने इसे लो फ्लेम पर 2 मिनट रखा है, यानी 3 मिनट हो चुके हैं। अगर आपको खड़ी खड़ी दाल चाहिए, थोड़ा सा बाइट आना चाहिए, तो आप देख लीजिए आपको कितनी गलानी है। तो यहाँ पर ये खड़ी खड़ी बाइट के हिसाब से दाल तैयार है और ये देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं है, देखिए। अब इसको क्या करते हैं, हम एक बर्तन में अलग निकाल लेते हैं। तो बर्तन ले लेते हैं, बस तेल और डालते हैं। तो चलिए अब इसमें डाल देते हैं भिंडी। अब भिंडी हमने इस तरीके से काटी जो हमने बता दिया था, अब इसको स्टर कर लेते हैं हम। भिंडी को यहाँ पे आपको अच्छे से फ्राई करना है, इस चीज का ध्यान रखें। करीब हमने 1 मिनट भिंडी को फ्राई किया, उसके बाद आपको इसमें सबसे पहले डालना है जीरा पाउडर, मतलब एक कच्चा जीरा डालना है, कच्चा जीरे का पाउडर डालना है, आपको भुना हुआ नहीं डालना है। थोड़ा सा इसमें क्या दरदरी लाल मिर्च 8 से 10 चुटकी डालनी है। फिर इसके अंदर हम डालेंगे रेड चिली पाउडर करीब 1/2 टेबल स्पून। मिर्च कम खाते हैं तो आप कम डालें, और वैसे भी ये कश्मीरी है। और इसमें डालते हैं 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। अब इन्हें सबको मिक्स कर लेता हम एक बार। अभी देखिए भिंडी और मसाले हमने अच्छे से मिला लिए। अब यहां डालते हैं 1/2 कप पानी। ये बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी पानी डालने के बाद भी। अब इसमें हम नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार, करीब मैं डाल रहा हूं 1/2 चम्मच, और मिक्स कर लेते हैं। देखो देखो बिल्कुल भी इसमें चिपचिप नहीं है कहीं भी भिंडी में।
भिंडी का एक ही सीक्रेट है, थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लें, उसके बाद ही आप बाकी आप उसमें पानी भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जो दाल बॉईल करी थी वो यहाँ पर ऊपर इसके ऊपर डालेंगे इस तरीके से। अब ये देखिए हमने दाल पूरी अच्छे से ऊपर और भिंडी नीचे। अब क्या करना है, लो फ्लेम पर इसे 2 मिनट से 3 मिनट के लिए ढककर रख देना है। पूरे 2 मिनट हो गए हैं, वापस हटाते हैं ढक्कन। ये देखिए अगर आपने इस तरीके से इसे बना लिया, मैं आपको वादा करता हूँ इस चीज़ के लिए कि आपकी तारीफ तो होगी होगी और आपसे पूछा जरूर जाएगा कि कैसे बनाई। तो अभी थोड़ा सा इसे मिक्स करते हैं हम। ये देखिए पानी भी नहीं है और ये चिपचिप भी नहीं कर रही भिंडी, देखो कोई भी चिपचिपापन नहीं है इसमें। और अभी हमें इसे क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ, पहले गैस बंद करते हैं, बारीक कटा हुआ धनिया और डाल देते हैं। ये काफ़ी हेल्दी होता है, कच्चा खाओ किडनी के लिए भी अच्छा होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए हरा धनिया और हरी सब्जियां तो, और धनिया उसमें बेस्ट है। मिला लेते हैं, बस हल्का सा ठंडा होने के साथ ही हम इसमें क्या करेंगे, हम डालेंगे इसके अंदर नींबू। देखिए हमने यहाँ टमाटर नहीं डाले तो नींबू बनता है, तो ये हम इसमें आधा नींबू निचोड़ देते हैं और मिला लेते हैं और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा ऊपर से डाल देते हैं, 8-10 चुटकी। बस तो बनकर तैयार है। फ्रेंड्स दोस्तों, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, जब भी बनाएं तो आपकी कैसी बनी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही, चलिए जो बनाया उसे खाकर खत्म करते हैं। और आप एक बार जरूर ट्राई करना मेरे कहने पे मूंग दाल वाली भिंडी, और अभी आ रही है ताजी ताजी, थोड़ी महंगी है और अभी थोड़े दिन बाद और सस्ती हो जाएगी। तो बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए।